नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, जिसका पेपर चल रहा है, तो मैंने भी इसका एग्जाम दिया है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। ग्रेटर नोएडा में 19 तारीख को मेरा पेपर था, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद जो आप यदि एग्जाम देने वाले हैं तो इससे काफी मदद मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मदद मिलेगा, लेकिन 90% मदद यूं मिल जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे है। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ट्रांसफार्मर ऑयल में ट्रांसफार्मर के लिए क्या कार्य होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो ट्रांसफार्मर में क्यों प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन क्यों करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा जो क्वेश्चन आया था पेपर में। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर का काम करता है और शीतलन का भी काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ट्रांसफार्मर 250 केवीए, मैं यहां वैल्यू को लिख देता हूं, 250 केवीए इसका एक ट्रांसफार्मर है। इसके प्राइमरी तथा सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी में 2000 वोल्ट और सेकेंडरी में 220 वोल्ट है। इसके सेकेंडरी का आपको, इसके सेकेंडरी एम्पियर ज्ञात करना है कि इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने एम्पियर धारा प्रभावित होगी। तो इसके लिए आपको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, K is equal to ES बटे EP is equal to NS बटे NP is equal to IS बटे IP। यहां पे ये एक फार्मूला होता है जिससे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किस कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, ओपन सर्किट टेस्ट किस कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किस कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहां पे मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आंसर खुद करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, हमसे पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कैसे की जाती है, जिसके ऑप्शन में दे देता हूं। मुझे सारे ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन पता है, तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, मध्य भुजा पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग करके, और दूसरा ऑप्शन था प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग कवर पर। तो इसको मैं डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि ये है ट्रांसफार्मर कोर, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, यानी कि जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, क्या इसकी वाइंडिंग ऐसे होती है या इसकी वाइंडिंग ऐसे होती है। तो आपको पता ही होगा कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में ये वाली वाइंडिंग होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज डिफरेंस कितना होता है। इसका जो ऑप्शन था मैं यहां पे लिख देता हूं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आप खटाक से कमेंट करके बताइए कि इसका फेज डिफरेंस ट्रांसफार्मर का कितना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 180 डिग्री होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टैप ट्रांसफार्मर में, जिसके चार ऑप्शन दिए थे, दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से, टैप ट्रांसफार्मर में जिनके चार ऑप्शन थे, तेल बाहर निकालने के लिए टैप होता है, दूसरा ऑप्शन था प्राथमिक कुंडली में एक से अधिक सिरे होते हैं, तीसरा ऑप्शन था वोल्टेज संयोजन के लिए द्वितीयक कुंडली में कई माध्यम से सिरे निकले होते हैं, यानी कई माध्यम से टर्मिनल निकले होते हैं, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो टैप ट्रांसफार्मर होता है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 था, वोल्टेज संयोजन के लिए द्वितीयक कुंडली से कई सारे टर्न निकले होते हैं, उसी को हम टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा, किस प्रकार के पदार्थ में उच्च चुंबकशीलता होती है, जिसके चार ऑप्शन दिए थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपको इसका सही आंसर चूज करना है।
तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए किस प्रकार के कोर्स सबसे सही माने जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए किस प्रकार के कोर्स सबसे उत्तम होते हैं, जिसके ऑप्शन बड़े उल्टे फुलटे थे, लंबा तथा सिकुड़ा हुआ, चौड़ा तथा सिकुड़ा हुआ, और दो और ऑप्शन थे जो कि मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं। तो इसमें से जो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होगा लंबा तथा सिकुड़ा हुआ होता है। यदि आपका कोई अलग ऑप्शन है या इसका कोई भी राइट आंसर आपके पास होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए है, आप कमेंट करके बताते रहिए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा मोटर से क्वेश्चन आया था, तो मोटर में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, कौन सा मोटर एसी तथा डीसी पर दोनों पर कार्य कर सकता है। दोस्तों यह क्वेश्चन तो बार बार आ जाता है, तो मुझे लगता है इसका आंसर तो आपको जबानी याद हो गया होगा। चलिए मैं एक बार बता देता हूं कि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। जो अगला क्वेश्चन था हमारा, एक 50 हर्ट्ज दो पोल 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या है। दोस्तों जब हमारा क्वेश्चन में पूछ देना कि 50 हर्ट्ज दो पोल और 3 फेज, तो इसका आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे सीधे 3000 RPM पे ट्रिक करके निकल जाना है। इसका राइट आंसर 3000 RPM ही होगा। इसका फार्मूला भी मैं बता देता हूं, 120 × f/p, यहां पे सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला यही होता है, 120 × f/p। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मोटर से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला था प्रतिशत स्लिप का फार्मूला क्या है। जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का चैप्टर पढ़ रहे होंगे, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, उसमें स्लिप का फार्मूला दिया हुआ है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मोटर के रोटर का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा। और जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर के बीच का अंतर क्या है, एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी केबल में इंसुलेटर किस कारण के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों मैं यहां पे एक बार समझा देता हूं कि मान लीजिए ये केबल है, केबल के बीच में कंडक्टर होता है, तो जो हमारा कंडक्टर होता है करंट के लिए उत्तरदायी होता है, और जो हमारा इंसुलेटर होता है वो वोल्टेज के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी वायरिंग विधि सबसे उत्तम मानी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा कंड्यूट वायरिंग को ही हम सबसे उत्तम मानते हैं। आपका कोई राइट आंसर अलग सा होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत का उत्पादन किस वोल्टेज तक होता है। दोस्तों जो हमारी बिजली बनाई जाती है, तो जनरेशन के टाइम इसका वोल्टेज कितना होता है, तो इसके विकल्प में मैं आपको बता देता हूं, 11 kV, 66 kV, 132 kV, और चौथा विकल्प क्या था मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर था, राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग 11 kV ही होगा। दोस्तों आपका कोई राइट आंसर अलग सा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा, किस प्रकार के विद्युत ट्रांसमिशन लाइन में प्रारंभिक लागत सबसे अधिक होती है, जिसके 4 विकल्प थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ओवरहेडेड लाइन, या फिर अंडरग्राउंड लाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंडरग्राउंड लाइन में सबसे अधिक प्रारंभिक लागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा सोलर पैनल से किस प्रकार की विद्युत धारा आउटपुट के रूप में निकलती है, यानी जो हमारा सोलर पैनल होता है उससे किस प्रकार की विद्युत धारा निकलती है, जिसके ऑप्शन थे एसी, डीसी, पल्सेटिंग डीसी, और चौथा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा वो डीसी होगा। आपका कुछ अलग सा आंसर होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ज्वार और भाटा पे करीब 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है कि ज्वार भाटा कब आती है। तो आपको पता ही है कि ज्वार भाटा, ये हमारा सूरज होगा, ये हमारा पृथ्वी हो गया, तो सूरज और पृथ्वी के जब बीच में चंद्रमा आता है तभी हमारा ज्वार और भाटा आता है। तो ज्वार भाटा के कॉन्सेप्ट को एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वाइंड मशीन में प्रयोग किया जाता है, जिसमें चार ऑप्शन थे, तो मुझे कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है कि क्या ऑप्शन थे, लेकिन जो राइट आंसर था वो गियर बॉक्स था।
तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, वाइंड मशीन और सोलर का जो सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो भी है उसके सभी पार्टों के नाम एक बार आपको रिवीजन कर लेने हैं, ताकि आपको परीक्षा में यही पूछा जा रहा है। दोस्तों लैंप से हमारा कुछ जो क्वेश्चन था कि इनकैंडिसेंट लैंप में क्या भरा होता है और जो सोडियम वेपर लैंप में क्या भरा होता है, तो सोडियम वेपर लैंप और इनकैंडिसेंट लैंप को एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों इतने क्वेश्चन तो जो मुझे याद आ रहे थे सो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि कोई और क्वेश्चन जो आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे और भी मित्र उसको देख के मदद ले सके। तो आप कमेंट करके बताइएगा जो क्वेश्चन मुझसे छूट गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत खास जानकारी देने वाला हूं कि यूपीपीसीएल में क्या धांधली हुई है। सो मेरे साथ खुद मैंने कुछ फेस किया है, सो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।